यानी 26 जनवरी 2022 को देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हालांकि इस बार कोरोना की तीसरी लहर के बीच हर बार की तरह थोड़ा सा अलग नज़ारा जरूर रहा, लेकिन बावजूद इसके एकता, अखंडता और भाईचारा का संदेश देते हुए लोग देशभक्ति के माहौल में सराबोर नजर आए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए लोगों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के मंगोलपुरी में भी देखने को मिला, जहां युवाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के मकसद से दिल्ली युवा सांसी एकता ट्रस्ट द्वारा ध्वजारोहण कर भाईचारा का संदेश दिया। इस दौरान ध्वजारोहण कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह, आईआरएस अधिकारी दीपक सिसोदिया, इलाके के एसीपी वीरेंद्र काद्यान और स्थानीय एसएचओ मुकेश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम में एकता का संदेश देते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गई। साथ ही सभी ने देश की आज़ादी में अपना बलिदान न्यौछावर करने वाले शहीदों को भी, इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन के माध्यम से देश के विकास में भगत सिंह स्टेडियम में जो भव्य कार्यक्रम आज 73वें गणतंत्र दिवस पर हो रहा है, निश्चित तौर पर सांसी समाज के जो इतिहास को बताया गया, जिसे हमारा देश समझ रहा है, राजस्थान से लेकर पंजाब से लेकर आज़ादी के समय में भी जब महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे, महाराणा प्रताप बिल्कुल युद्ध नहीं कर पाते, बिल्कुल इस देश की आन मान शान की रक्षा नहीं कर पाते, अगर उनके साथ मजबूती से कंधा मिलाकर सांसी समाज, गड़ेरिया समाज, बाबरिया समाज और ये समाज अगर उनके साथ ना लगा होता तो निश्चित तौर पर मुगलों से नहीं लड़ पाते। तो सांसी समाज इस देश की आज़ादी में, क्योंकि आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश पूरी प्रसन्नता के साथ आगे कार्य कर रहा है, विकास कर रहा है, सबके साथ सबके विकास की कल्पना कर रहे हैं, देश को फिर से सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने की तरफ अग्रसर है, ऐसे में सांसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।